Hey guys, welcome back with another class, and today's lesson is very simple. Today I'm gonna teach you adverb. Okay, we have completed noun, pronoun, verb and adjective with all kinds. Okay, in previous class I have given you that 10 verbs also with meaning and also usage of them, and today in class I will give you last 5 verbs. Okay, today's lesson is adverb. The definition of an adverb we have learning for some books in that the एंटर से और कुछ किताबों में हमें यह सीखा है कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को या खुद एडवर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है. बट एडवर्ब में आल्सो क्वालिफाई प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन. ये जो आल्सो क्वालिफाई करता है प्रीपोजिशन को भी करता है, कंजक्शन को भी करता है. कैसे? आई विल गिव यू एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, He was sitting almost in the hot sun. वो तकरीबन धूप में बैठा करता था. He was sitting almost in the hot sun. अब यहाँ पे almost जो है वो preposition है. तो यहाँ पे जो he was sitting almost in the hot sun, तो ये बता रहा है कि qualify करा है preposition को. Okay. Second example, he is respected simply because he is rich. अब यहाँ पे because जो है simply के बाद, ये जो सिंपली है वो एडवर्ब है और बिकॉज जो है कंजक्शन है. तो यहाँ पे एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है कंजक्शन को. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एडवर्ब्स आर, नंबर वन पॉइंट, एन एडवर्ब इज़ यूजुअली प्लेस्ड बिफोर एन एडजेक्टिव और एडवर्ब. ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं एडजेक्टिव के पहले या एडवर्ब से पहले. फॉर एग्ज़ाम्पल, it was very hot sun yesterday. अब यहाँ पे very के बाद hot है, तो hot ये है adjective. Okay, तो ये very जो qualify कर रहा है वो adjective कर रहा है. Number second example, he kills the lion very badly. तो यहाँ पे badly जो है also is also adverb. Okay, यहाँ पे very और badly जो है वो qualify adverb को ही कर रहा है. Okay, number second point is, an adverb is a placed after an intransitive verb. ये प्लेस में यूज़ होता है इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद. फॉर एग्जांपल, ही केम लेट. ओके, स्टूडेंट स्पोक लाउडली. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट एडवर्ब आल्सो मे क्वालिफाई द कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन. ओके, एंड बेसिकली क्वालिफाई करता है किसको? एडजेक्टिव को, वर्ब को और खुद एडवर्ब को. ओके, पॉइंट इज एन एडवर्ब, समटाइम्स एन एडवर्ब यूज फर्स्ट इन अ सेंटेंस. कभी कभी एडवर्ब जो होता है वो सेंटेंस में पहला, फर्स्ट इज द लेटर यूज होता है. फॉर एग्जांपल, अनफॉर्चुनेटली माय डैड, माय अंकल हैज़ डाइड इन कार एक्सीडेंट. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली बस बदकिस्मती से मेरा जो अंकल था वो एक्सीडेंट में मर गया था. ओके, हाउ लेजी ही वॉज. ओके, जो यहाँ पे हाउ है, यहाँ पे लेजी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पे हाउ जो होगा एडवर्ब होगा. सो ये सेंटेंस में फर्स्ट में यूज़ होंगे. तो समटाइम एन एडवर्ब यूज इन अ फर्स्ट इन सेंटेंस. ओके, नंबर फोर्थ पॉइंट इज द एडवर्ब इन अनफ इज ऑलवेज यूज आफ्टर द एडजेक्टिव. जो अनफ वर्ड है, अनफ मीन्स काफ़ी. ओके, ये जो होता है एडजेक्टिव के बाद यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल वॉज रिच अनफ टू बाय अ कार. माँ जो अंकल था मेरा, जो वो कार खरीदने के लिए काफ़ी था, अमीर इतना था कि वो कार खरीद सकता था. ओके, माई फ्रेंड वॉज गुड अनफ टू हेल्प मी इन माई डिफ़िकल्टीज. मेरा दोस्त जो था वो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, जो मेरी मुश्किलों में मेरी मदद कर सकता था. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. And in last, I'm gonna give you 5 verbs. Okay, now I am going to give you 5 verbs with also usage of thing. Number first, today's word is abide. Okay, abide means pabandi karna. You should abide your parents, you should abide your elders. Okay, so hame yahan means you should abide your टाइम टेबल. आपको टाइम टेबल की पाबंदी करना चाहिए. ओके, नंबर सेकंड, टुडेज वर्ड इज एनालाइज. एनालाइज मीन तज्जिया करना. ओके, फॉर एग्जांपल, यू हैव टू से दैट योर एनालाइजिंग इज सिस्टमिक इज गुड. ओके, योर एनालाइजिंग जो है वो अच्छी है. ओके, आपका तज्जिया जो है वो पॉलिटिक्स में जो अच्छी है. ओके, नंबर थर्ड वर्ड इज अटेस्ट, मीन्स तस्दीक करना. हम किसी जॉब में अप्लाई करते हैं, दे से दैट योर डॉक्यूमेंट्स विल बी अटेस्टेड. ओके, तो अटेस्टेड मीन्स उसकी तस्दीकशुदा किस काम पे होते हैं. ओके, नंबर फोर्थ वर्ड टुडे इज आर्ग्यू, मीन्स बहस करना. डोंट आर्ग्यू विथ पेरेंट्स, डोंट आर्ग्यू विथ योर एल्डर ब्रदर. ओके, नंबर लास्ट वर्ड टुडे इज एडमिट. यू शुड एडमिट इन मेंटल हाउस. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड एडमिट इन स्कूल या कॉलेज और इन ए हॉस्पिटल. ओके, सो टुडे आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई क्लास, एंड इन टुमारो आई विल गिव यू द सम पर्टिकुलर एडवर्ब्स with also usage of them. Thank you.